हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस करेक्शन कैसे करना है? अब ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको महावितरण के ऑफिस के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। सो लेट्स सी द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है एन नंबर ऑफ रीजंस। आपको एड्रेस चेंज करना हो सकता है, जैसे कि सोसाइटी का नाम चेंज हुआ, आपका स्ट्रीट का नाम चेंज हुआ, पिन कोड चेंज हुआ। इन दैट केस हमको एड्रेस करेक्शन करना पड़ता है। सो लॉगिन करने के बाद आपका कस्टमर आईडी आपको यह शो होगा, उस कस्टमर आईडी को आपको सिलेक्ट करना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिलेटेड इतने सारे ऑप्शंस है। आपको करेक्शन करना हो या आपको ऑनलाइन बिल चाहिए, फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए, तो गो ग्रीन ऑप्शन है। तो हमें यहाँ अभी एड्रेस करेक्शन पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके। एड्रेस करेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें आपका डिटेल्स पूरा दिखेगा, जैसे मैंने हाइड किया है। कंज्यूमर नंबर आपका दिखेगा, बिलिंग यूनिट का कंज्यूमर नेम और मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगा, मीटर नंबर। सो ये है आपका ओल्ड एड्रेस और जो भी आपको करेक्शन करना है वो एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। सी जहाँ जहाँ रेड स्टार है दैट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू फिल, और उसके बाद आपको न्यू एड्रेस डालने के बाद यह सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपको ये एप्लीकेशन नंबर और रिक्वेस्ट आईडी मिलेगा, और इस एप्लीकेशन नंबर से आपका रिक्वेस्ट आप ट्रैक कर सकते हो। और ये रिक्वेस्ट का एक प्रिंटआउट आपको लेके रखना है, और मे बी फॉर वेरिफिकेशन पर्पस आपके रजिस्टर्ड नंबर पे महावितरण के ऑफिसर्स आपको कॉल भी कर सकते हैं। ये है वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, इस पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, यह ओल्ड एड्रेस है, यह न्यू एड्रेस है, आपको फिर से वेरीफाई करना है, और इस एप्लीकेशन नंबर से आप आपका रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हो। यह है ट्रैक स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड पे चार्जेस। सो यह ट्रैक स्टेटस में जाके एड्रेस करेक्शन पे आपको क्लिक करना है ट्रैकिंग के लिए, और ये विंडो आएगा। यह आपको सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ देना है और ये कैप्चा यहाँ फिल करके सबमिट करना है। इस तरह से नीचे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ एप्लीकेशन आईडी है, जिस डेट को एप्लीकेशन किया है वो डेट है, और ओल्ड एड्रेस, न्यू एड्रेस, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड करके स्टेटस है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको ट्रैकिंग में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।